मेरे शहर के लोग, चंडीगढ़ के लोग मैक्सिमम नंबर में वोटिंग करें। कुछ कुछ सेक्टर्स से ये सुनने को मिला है कि वहाँ से वोटिंग कम हुई है, मैं सेक्टर्स के नाम नहीं लूंगी, लेकिन अब की बार ऐसा होना चाहिए कि पूरा का पूरा सेक्टर वोटिंग करने आया है। हमारा वोटिंग काउंट सबसे मैक्सिमम रहा है पूरे देश में, चंडीगढ़ वोटर्स। ये बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है, जब मैं यहाँ आपके बीच पहुंची हूँ, मुझे ये गवर्नमेंट की तरफ से मौका मिला है आपको इन्फ्लुएंस करने का, तो मैं कोई मौका जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत पर्सनली ले लिया है कि मेरे शहर के लोग, चंडीगढ़ के लोग मैक्सिमम नंबर में वोटिंग करें। मैंने काफ़ी डेटा पढ़ा और जानकारी ली डिपार्टमेंट से। कुछ कुछ सेक्टर्स से ये सुनने को मिला है कि वहाँ से वोटिंग कम हुई है, मैं सेक्टर्स के नाम नहीं लूंगी, लेकिन अब की बार ऐसा होना चाहिए कि पूरा का पूरा सेक्टर वोटिंग करने आया है और हमारा वोटिंग काउंट सबसे मैक्सिमम रहा है पूरे देश में, तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। और उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि डिपार्टमेंट के सब लोग आपको असिस्ट करने के लिए हमेशा के लिए अवेलेबल हैं। वोटिंग डेट 1 जून है और आपको अपना इलेक्टोरल रोल में नाम चेक कर लेना है। आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ अभी भी मौका है, कर लीजिए। और अगर वोटिंग वाले दिन आप भूल जाते हैं अपना वोटर कार्ड कैरी करना, तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या कोई भी सर्विस आइडेंटिटी कार्ड ला सकते हैं। PWD के लिए एक हमारे पास बहुत ही अच्छा ऐप है, सक्षम ऐप, जो उनको असिस्ट करेगा वोटिंग के लिए। वोटिंग हेल्पलाइन ऐप है और फिर हमारे पास एक नंबर है 1950। और मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर फिर भी आपको कुछ समस्या है तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है CEO चंडीगढ़, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे भी कुछ पूछना चाहते हैं, समायरा संधू ऑफिशियल मेरा चैनल है, मेरी टीम और मैं हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपको गाइड करने के लिए। तो लेट्स रॉकेट चंडीगढ़ को नंबर 1 पे लेके आते हैं वोटिंग में। और उसके अलावा हाँ, गर्मी का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि ये हीट वेव जो चल रहा है इसने बहुत लोगों को परेशान कर रखा है, लेकिन हमारे एंथुजियाज़म को ये कभी परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि वोटिंग राइट जो है उसका जो जश्न है, जहाँ उसका जो जोश है, वो इन सब चीज़ों से ऊपर है। और हमारे पास QR ऐप है जिसमें आप अपना ड्यूरेशन चेक कर सकते हैं कि अभी कितना वेटिंग टाइम है, तो वेटिंग टाइम के आप हिसाब से आप वहाँ आ सकते हैं और वोट कर सकते हैं। और हमारे डिपार्टमेंट में सारे इंतज़ाम कर रखे हैं, टॉयलेट्स, वाटर, शेड्स, कूलर्स, तो आपको कुछ समस्या नहीं आएगी। और ये प्यारे से शहर का डिपार्टमेंट भी बहुत प्यारा है, जो अपने लोगों की बहुत ध्यान रखता है, इसलिए प्लीज़ इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, सबको आना है, मैं भी आ रही हूँ और इकट्ठे मिलके हम वोटिंग का जश्न मनाएंगे। थैंक यू। आपका वोट कास्ट करूँगी। हाँ जी, आपका वोट कास्ट करूँगी। मैं कब वोट कास्ट करूँगी? 1 जून को चंडीगढ़ में, आप सब लोगों के साथ। मैंने पहले भी जिक्र किया कि मुझे डिपार्टमेंट से पता चला कि कुछ सेक्टर्स के लोग हैं जो आते नहीं। अब मुझे नहीं पता उसका क्या कारण है और वो सेक्टर स्पेसिफाई क्यों, कुछ सेक्टर के लोग क्या उन्होंने ऐसी एकता कर रखी है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। शायद कुछ वजह रही होगी, वो ट्रैवल कर रहे होंगे या वहाँ पे पॉपुलेशन कम रही होगी कुछ सेक्टर्स में। खैर, मैं किसी भी कारण को एम्फेसाइज नहीं करना चाहती, बस जो भी रहा होगा इस बार कोई नहीं रहना चाहिए।